अगर ऐसी सोच और ऐसे विचार वाले अगर हर एक जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी रखने लगे तो शायद जो सड़कों में जो गड्ढे और जगह देखे जाते हैं तो वो भी नहीं देखे जाएंगे। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और जनपदों की हम बात करें तो जनपद ललितपुर के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत गांव यानी ग्राम पंचायत अनौरा में कुल एक समय दम तोड़े करते थे, लोगों को भारी समस्या यहाँ पे आने जाने में होती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मजबूती और अच्छे से रोलिंग तरीके से अच्छे से इसकी मरम्मत यहाँ पे की गई है। अगर आप इस ओर देखेंगे यहाँ पर चेक डैम बनाया गया है, और अगर आप इसी ओर देखेंगे तो ये पुल एक मजबूती से बनाया हुआ गया है। मेरा नाम मनोहर सिंह है, मैं पूर्व प्रधान हूँ और वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा देखा गया कि ये जो नदी हमारी पूरी है ये विलुप्त हो चुकी थी, तो साहब ने हम लोगों को आदेशित किया कि जे आप 3.5 किलोमीटर मतलब हमारे अनौरा ग्राम में पड़ती है, इसको आप जीर्णोद्धार करवाएं। तो मैंने 3.5 किलोमीटर नदी का अपना पूरा जीर्णोद्धार करवाया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये आदेशित किया गया कि इस पर एक पुल बनवाया जाए, तो मैंने उसको पुल को बनवाया, चेक डैम बनवाया इस पर, इस बंदी पर, और ये रिटर्निंग वाल बनवाई, और एक आगे जाके यहाँ से करीब 600 मीटर दूर है वहाँ पर मैंने एक पुल बनवाया, एक शुरू में पुलिया बनवाई, और 2 किलोमीटर का जो चर्राऊ अनौरा मार्ग है सन 1984 से PWD द्वारा बनाया गया था, लेकिन आज तक इस मार्ग पर कोई काम नहीं हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय ने ये आदेशित किया कि आप मनरेगा द्वारा इस दो अपने गांव या मतलब छिल्ला चर्राऊ तक जगह आप अपना रोड कंप्लीट कराएं, तो हम वो मनरेगा द्वारा अच्छा करवा सकते हो प्रधान जी, वो आप करवाएं। तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा मैंने एक गौशाला का उद्घाटन करवाया उन्हीं के द्वारा, और गौशाला का निर्माण कराया जिसमें आज भी करीब 700 जानवर उसमें गौशाला के अंदर है। माह नवंबर 2022 में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गौशाला का, और मैंने दिसंबर में माननीय जिलाधिकारी द्वारा उद्घाटन करवा के कंप्लीट करवा दी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका, और हम पहुंच चुके हैं आज जनपद ललितपुर के ब्लॉक बिरधा अंतर्गत गांव यानी ग्राम पंचायत अनौरा में। और जैसे कि हमने आपको यहां पे की जो तमाम हकीकत थी वो हमने बताया था, और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जो मनोहर सिंह है उन्होंने यहाँ पर किस तरह जो सड़कों को एक मजबूत करने का काम किया, जो यहाँ पे पुल एक समय दम तोड़ा करते थे, लोगों को भारी समस्या यहाँ पे आने जाने में होती थी, तो यहाँ पे मजबूती का क्या कुछ नज़ारा उन्होंने दिखाया, किस तरह यहाँ पे उन्होंने मनरेगा के तहत सड़क को भी दुरुस्त करने का काम किया। साथ ही यहाँ पे जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी यहाँ पे पहुंचे और मौके की स्थिति भी उन्होंने देखी, और बाद निर्देशित किया गया कि आप मनरेगा के तहत यहाँ पे काम करोगे। तो इस समय हम धरातल पर हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ अभी ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, और हम आपको पुलिया का यानी एक पुल का वो नजारा दिखाएंगे जो पहले काफी समय पहले चुनौती भरा होता था और लोगों को यहाँ पर चुनौतियों का सामना यहाँ पे करना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम ये वही मार्ग है जो यहाँ पे 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी तक यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे सोलिंग गट्टे और मुर्मीकरण इस तरीके से हुआ है कि वाकई में पक्का रोड भी यहाँ पे फेल होते हुए भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मजबूती और अच्छे से रोलिंग तरीके से अच्छे से इसकी मरम्मत यहाँ पे की गई है। अगर आप इस ओर देखेंगे यहाँ पर चेक डैम बनाया गया है, और अगर आप इसी ओर देखेंगे तो ये पुल एक मजबूती से बनाया हुआ गया है। साथ ही यहाँ पे अभी जो प्रधान प्रतिनिधि जी मनोहर सिंह जी मौजूद है यहाँ पे, हम उनसे भी हम जानेंगे और क्या क्या कहाँ पर क्या कुछ इन्होंने विकास करने का काम किया है, और क्या क्या वहां पर जो पहले एक समय व्यवस्थाएं यहाँ पे दम तोड़ा करती थी वो यहाँ पे ग्राम प्रधान और उनके प्रतिनिधि द्वारा क्या कुछ यहाँ पे धरातल पर भी देखा जा चुका है। देखेंगे आप यहाँ पे कि आप यहाँ से भी देखेंगे कि एक जी भाई साहब स्वागत है आपका। जी नाम आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह है, मैं पूर्व प्रधान हूँ और वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। अच्छा, ये जो चेक डैम है जैसे बताया गया था ये आप ही ने करवाया था? जी, ये चेक डैम बनवाया, जी रिटर्निंग वाल बनवाई, जी पुल का निर्माण कराया। माननीय जिलाधिकारी महोदय 2021 नवंबर में ग्राम अनौरा में आए, हम लोगों के प्रयास से वो ग्राम अनौरा में आए। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा देखा गया कि ये जो नदी हमारी पूरी है ये विलुप्त हो चुकी थी, तो जो हमारे एक बुंदेलखंड सेवा संस्थान के मैनेजर साहब हैं या मतलब संस्थापक हैं, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को लाए और जो विलुप्त नदी को तो उसके लिए जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने उनसे मांग की। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय आए हमारे गांव में और उन लोगों ने देखा कि वास्तविक ये नदी विलुप्त हो चुकी है और इस नदी का जीर्णोद्धार करवाया जाना अति आवश्यक है। तो DM साहब ने हम लोगों को आदेशित किया कि जे आप 3.5 किलोमीटर मतलब हमारे अनौरा ग्राम में पड़ती है, इसको आप जीर्णोद्धार करवाएं। तो मैंने 3.5 किलोमीटर नदी का अपना पूरा जीर्णोद्धार करवाया,
और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये आदेश किया गया कि इस पर एक पुल बनवाया जाए, तो मैंने उसको पुल को बनवाया, चेक डैम बनवाया इस बंदी पर, और ये रिटर्निंग बाल बनवाई, और एक आगे जाके यहाँ से करीब 600 मीटर दूर है वहाँ पर एक पुल बनवाया, एक शुरू में पुलिया बनवाई, और 2 किलोमीटर का जो चर्राऊ अनोरा मार्ग है सन 1984 से PWD द्वारा बनाया गया था, लेकिन आज तक इस मार्ग पर कोई काम नहीं हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय ने ये आदेशित किया कि आप मनरेगा द्वारा इस दो अपने गांव या मतलब छिल्ला चर्राऊ तक जी आप अपना रोड कंप्लीट कराएं। तो चूंकि मैं बंधन में था अपने मोजे तक, मैंने 2 किलोमीटर अपना बढ़िया रोड बना दिया सोलिंग गिट्टी मुरम से, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य रहा कि आज तक 1984 जो सरकारें बनी हैं हमारे गांव की तरफ कोई विकास की तरफ नहीं देखे गए हैं, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की, लेकिन हमारा पूरा गांव 99% हमेशा 99% भाजपा के लिए वोट देता है और भाजपा के लिए पक्ष में मतदान करता है। भाजपा वाले चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे MLC हो, कोई भी यहाँ नेता प्रत्याशी सांसद विधायक इस गांव की तरफ आज तक नहीं देखा है कि इस गांव की क्या दुर्दशा है, कि क्या हो रही है क्या नहीं। और हम लोगों ने, गांव वालों ने मांग मांग कर करके परेशान हो गए, लेकिन किसी लोगों ने नहीं सुना। ऐसे एक लोकप्रिय और गांव के प्रति हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री आलोक सिंह जो गांव में पधारे हैं, उन लोगों ने गांव के प्रति एक जागरूक होकर के और हम लोगों को ये सजेशन दिया, जिससे हम लोगों ने मनरेगा द्वारा यह कार्य करवाया है। और आगे भी वो हमेशा हम लोगों को एडवाइस सलाह देते हैं कि जो भी काम हो मनरेगा द्वारा अच्छा करवा सकते हो प्रधान जी, वो आप करवाएँ। तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा मैंने एक गौशाला का उद्घाटन करवाया उन्हीं के द्वारा, और गौशाला का निर्माण कराया, जिसमें आज भी करीब 700 जानवर उसमें गौशाला के अंदर हैं। माह नवंबर 2022 में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया गौशाला का, और मैंने दिसंबर में माननीय जिलाधिकारी द्वारा उद्घाटन करवा के कंप्लीट करवा दी थी। अगर ऐसी सोच और ऐसे विचार वाले अगर हर एक जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी रखने लगे तो शायद जो सड़कों में जो गड्ढे और जगह देखे जाते हैं तो वो भी नहीं देखे जाएंगे, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और जनपदों की हम बात करें तो ऐसी सोच और ऐसी विचार के साथ अगर काम किया जाए तो शायद जो कई गाँव में और कई जगह ऐसी सड़कों की जो हालत देखी जाती है वो शायद नहीं देखे जाए, चाहे वो कच्ची सड़कें हो चाहे वो पक्की सड़कें हो। अगर हम बात करें कि जिस तरह जो सरकार वर्तमान सरकार जिस तरह प्रयास कर रही है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गाँव है, कि हर एक जगह एक दुरुस्त जगह हो, वहाँ पर गड्ढा ना हो और हर एक मूलभूत सुविधाएं सीधे लाभार्थी तक पहुंचे, तो इसके लिए भी सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन वर्तमान स्थितियां कुछ और ही बताई जाती हैं। और अगर हम यहां पे वर्तमान हालातों की अगर हम ग्राम पंचायत अनोरा की बात करें तो यहां पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं यहां पे कि एक समय यहां पे जो रोड ये पुल था पूरा धाराशायी यहां पे हो चुका था, यहां तक कि लोगों का आवागमन होना भी यहां पे पूरी तरह से बंद हो चुका था। और आप देख सकते हैं यहां पे कि जो यहां पे पानी निकासी के लिए यहां पे और ये एक जो नाला यहां पे बड़ा नाला यानी कि इसको नहर भी कह सकते हैं, तो यहां से ये सारी मरम्मतीकरण हुई है। अगर हम वृक्षारोपण की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वृक्षारोपण भी यहाँ पे किनारे किनारे ये छोटे छोटे वृक्ष आप देख रहे होंगे, पौधे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी करवाए गए हैं। तो हम आपको अंदर लेके चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकतें देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे, और क्या कुछ धरातल की स्थितियाँ देखी जाती है और क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, अंदर लेके चलेंगे और क्या कुछ नज़ारा देखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, और तमाम विभिन्नताओं पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ किस तरह यहाँ गांव में जो विकास है वो जोड़ तोड़ पर यहाँ पे चल रहा है, तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं किस तरह सीधे लोगों तक देखी जाती हैं वो भी हम आपको जानने का दिखाने का प्रयास करेंगे।